आवर न्यू ब्लॉग। आज है मेरी छुट्टी और मैंने सोचा क्यों ना एक चैलेंज किया जाए, कोई फूड चैलेंज नहीं, कुछ डिफरेंट ही चैलेंज किया जाए, जैसे कि लिविंग इन अ टेंट फॉर 24 आवर्स। और उसके लिए हमें टेंट की ज़रूरत है और मेरे पास टेंट भी है। आप सबको पता है लास्ट ईयर मेरा बर्थडे था, लास्ट ईयर नहीं इसी ईयर, ओ सॉरी लास्ट ईयर ना, मैं सोच रही हूँ कि स्मायरा के बर्थडे को एक साल हो भी गया नहीं, लेकिन ये मतलब कि ईयर चेंज हो गया इसीलिए लास्ट ईयर बोला स्मायरा, सॉरी इट्स ओके। तो लास्ट ईयर मेरा बर्थडे था और साना दीदी मेरे बर्थडे पर आई थी और उन्होंने मुझे एक टेंट हाउस गिफ्ट किया था। तो अभी तक मैंने उसको असेंबल नहीं किया है और मैंने बोला था जब भी हम असेंबल करेंगे आप सबके साथ असेंबल करेंगे, तो पापा जल्दी से मेरे टेंट हाउस लेकर आओ, फिर हम असेंबल करते हैं उसको। हाँ मैं अभी लेकर आता हूँ, ये लो आपका टेंट हाउस। ये है मेरा टेंट हाउस, देखो आपको ब्लू ड्रेस पहननी चाहिए थी क्योंकि ये फ्रोजन थीम है और ब्लू कलर का टेंट बनेगा। नहीं, जब हमारा टेंट हाउस असेंबल हो जाएगा ना फिर मैं बात करके आऊंगी। ओके, क्योंकि अगर मैं एक बार टेंट के अंदर चली गई फिर बाहर नहीं आ सकती। बात तो सही है, 24 आवर्स से पहले पहले। और ये फ्रोजन थीम का टेंट हाउस और इसके लिए हमें टूल्स की जरूरत नहीं है। और भी फीचर्स है इसके अंदर, आप ढेर सारा फन कर सकते हो। यस यस यस, इनको असेंबल करना इजी है, इजी टू असेंबल, पोर्टेबल, ड्यूरेबल, ग्रेट फन। आप इसको अपने रूम में भी लेकर जा सकते हो। यस, लेकिन अभी तो स्पेस नहीं है ना, किचन है, फ्रिज है, तो थोड़ा सा आपका रूम जब सेट कर देंगे ना तब आप इसको वहाँ पे शिफ्ट कर लेना। एक बार तो यही असेंबल करके आप अपना चैलेंज कर लो। ओके, ये टेंट हाउस असेंबल होने जा रहा है। ये पाइप्स हैं और ये क्लॉथ है और इसको क्या बोलते हैं, कनेक्टर्स, रेड और ब्लू कलर के। हमारा टेंट हाउस असेंबल हो चुका है। जब तक पापा ने टेंट हाउस असेंबल किया तब तक मैं भी रेडी हो गई क्योंकि मुझे ब्रेकफास्ट भी करना है और मुझे टेंट के अंदर एंजॉय भी तो करना है। चलो मैं आपको अपना टेंट दिखाती हूँ। ये क्या है? ये विंडो वेंटिलेशन के लिए। yes. क्योंकि अंदर बिजली की व्यवस्था नहीं है तो स्मायरा के लिए ये विंडो है, एक इस तरफ भी होनी चाहिए। लेट्स सी, हाँ इस तरफ भी विंडो है। और ये फ्रोजन थीम का टेंट हाउस बहुत ही प्यारा लग रहा है। ये रूफ को क्या बोलते हैं स्मायरा? स्लोपिंग रूफ। ओके, और ये देखिए डिज्नी फ्रोजन, वेलकम। ये हमारा मेन डोर। चलो अंदर चले जाओ अपने टेंट के। ओके स्मायरा, जब रात को अंधेरा हो जाएगा कैसे मैनेज करोगे टेंट के अंदर? पता नहीं, हम लाइट लगाएंगे। ओके, और गर्मी लगे तो बताना, फिर आपके लिए फैन भी लगाएंगे। ओके चलो। और फ्लोर पे स्मायरा ने अपना ये वाला मैट लगा लिया है ताकि फ्लोर जो है वो ठंडा ना लगे, आराम से स्मायरा बैठ सके और रेस्ट भी कर सके, लेट सकती है आराम से। तो देखो कैसे बैठी हुई है, वो देखो कहाँ से आ गई, कहाँ से आ गई, देखो तो। हेलो ये है मेन डोर, इसको हम फोल्ड भी कर सकते हैं। पापा मेरी हेल्प कर सकते हो? हाँ बिल्कुल, ऐसे। वेरी गुड बिना देखे कर रही है। ये लो ब्रेकफास्ट, और देखो मैंने क्या बनाया आपके लिए। क्या बनाया है? जो आपने बोला था मुझे। ओ वाओ, डोसा, मसाला डोसा है ये? मसाला भी है अंदर, तभी तो मसाला डोसा है ये। क्या बात करते हो स्मायरा और ये सांबर नहीं खाती है, ये सिर्फ कोकोनट की चटनी अच्छे से खाती है। तो अंदर ले जाओ अपनी प्लेट। ओके, टेंट के अंदर है चैलेंज, बाहर नहीं है। आप साथ में दूध लोगे या फिर पानी? पानी, बस इसको तो पानी चाहिए, कभी इसके मुंह से नहीं निकलता है। यहाँ दूध दे दो बना। नहीं, दूध दे सकते हो आप, बट डोसे के साथ अच्छा नहीं लगता। चाय दे दूँ? चाय भी बड़ी पड़ी है। नहीं चाय भी नहीं अच्छी लगती डोसे के साथ? नहीं। यूट्यूब फैमिली को भी तो खिलाओ ब्रेकफास्ट। खिलाती हूँ, ये लो यूट्यूब फैमिली, ये लो यूट्यूब फैमिली। अब डोर जो है वो तो बिजी हो गया कैमरे से
अब मुझे स्मायरा को पानी का गिलास ऐसे देना पड़ा ना। चलो जल्दी से अपना ब्रेकफास्ट फिनिश करो, हम भी ब्रेकफास्ट कर लें ओके, फिर हम मस्ती करते हैं। ओके मैंने ब्रेकफास्ट कर लिया है, लेकिन अब मैं पूरा दिन टेंट में करूंगी क्या? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। पढ़ाई करेंगे पूरा दिन। पढ़ाई? हाँ, आपका चैलेंज तो यही है ना कि आपने टेंट के अंदर रहना है, बैठना है, खाना है, पीना है। हाँ, लेकिन और भी बहुत कुछ करना है ना। पढ़ना भी तो है। हाँ, आज छुट्टी है तो क्या हुआ, उसके बाद स्कूल नहीं जाना है क्या? जाना ही क्यों नहीं जाना, फिर टेस्ट भी तो है ना। ये लो मैंने आपके लिए कुछ लिखा है, ये देना इसको नोटबुक, आप मुझे इसके आंसर्स लिख कर दिखाओ और बताओ यूटी फैमिली को मैंने कौन सा सब्जेक्ट आपको लिख कर दिया है। हिंदी। हिंदी का क्या है? शब्दार्थ। शब्दार्थ मीन्स वर्ड मीनिंग। वर्ड मीनिंग। तो आपने ना इसके आंसर्स इंग्लिश में लिखने हैं। ओके ये मम्मी की हैंडराइटिंग है? यस। बहुत अच्छी है। बहुत सुंदर है। क्यों आई देखी आपने? बहुत दिनों बाद देखी है मैंने। चलो लिखो। क्या लिखा है फर्स्ट वर्ड? बेहाल। क्या आंसर है इसका? हेल्पलेस। ठीक है, ऐसे ही ना सारे आंसर्स मुझे लिख के नोटबुक दे देना, फिर मैं आपको मार्क्स दूंगी। तो ऐसे ऐसे हम पूरा दिन पढ़ाई करते जाएंगे। पूरा दिन? हाँ, ये तो फर्स्ट सब्जेक्ट है, आपके कितने सब्जेक्ट्स हैं? नाइन। नाइन। तो नाइन सब्जेक्ट्स का थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे तो हो गई ना रिविजन, लेकिन पूरा दिन ये समस्या है। नहीं, खेलना भी तो है मुझे। हाँ हाँ, अगर आपने ये मीनिंग्स अच्छे से लिख दिए तो इसके बाद फिर मैं आपको खेलने का टाइम दूंगी बस। okay. अगर आपका एक भी गलत ना हुआ तो। ये तो नोटबुक मुझे, मैं चेक करके आपको मार्क्स देती हूँ। ओके मैं चेक कर दूँ? हाँ कर दो, ये लो पेन ले लो, इसको मार्क्स दे दूंगा। सेवन आउट ऑफ सेवन। साथ में हम देंगे वेरी गुड स्टार, क्योंकि इसने कर्सिव राइटिंग में लिखा है। मुझे तो बचपन में कर्सिव राइटिंग में लिखना ही नहीं आया, सच बताऊं सुमेरा, क्योंकि हम पढ़े हैं छोटे मोटे स्कूल में जो कि मोहल्ले में होता था और मोहल्ले की टीचर्स होती थी, हमें वहाँ पर ये चीज़ें कभी सिखाई नहीं गई। मैं इनफैक्ट बहुत खुश होता हूँ जब आप कर्सिव राइटिंग में ऐसे लिखते हो ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है। काश बचपन में मैंने ये सब सीखी होती। अब सीख लो। अब टाइम नहीं है ना। बचपन तो चला गया, लेकिन बच्चों का बचपन तो है ना। हाँ, बच्चों के साथ तो हम बच्चे बनते हैं ना कभी कभी। मैं स्मायरा के साथ कन्नड़ा सीख रही हूँ ना। हाँ, स्मायरा की मम्मी को कन्नड़ा जरूर आती है, लिखनी और पढ़नी, लेकिन बोलनी नहीं आती अभी। कोई ना, धीरे धीरे बोलनी भी आ जाएगी। मम्मा बोलो। अब आप मुझे खेलने दोगे ना? क्या खेलोगे आप टेंट के अंदर? लूडो। किसके साथ? पापा के साथ। आ जाओ बाहर, लूडो ले जाओ। बाहर नहीं आना। पापा आप ले आओ। सुमेरा आपकी लूडो। फाइनली ये लूडो आ चुकी है, और आप सोच रहे होंगे इतनी छोटी लूडो, नहीं ये है फोल्डेबल लूडो जो कि बड़ी भी हो सकती है। ये है लूडो टोकन्स, डाइस। तो चलो पापा लूडो स्टार्ट करते हैं। इसमें स्नेक एंड लैडर भी तो है ना? यस। तो वही मन गेम है ये। तो पापा पहुंच चुके हैं 85 पर, सुमायरा पहुंच चुकी है 57 पर। फाइव बच गया सुमायरा में। अब आपको कोई सांप काट नहीं सकता। जीतूंगा तो मैं ही हूँ, ये तो पक्का ही है। अरे रुको, मुझे यहाँ पर आया था। वन। फाइनली पापा जीत गए मेरा। तो कैसा फील हो रहा है हार कर? नहीं, मतलब पापा जीत चुके हैं। हाँ तो पापा जीत चुके हैं, आपको कैसा फील हो रहा है? अच्छा फील हो रहा है। हार कर? नहीं, हमेशा जब भी हम खेलते हैं पापा हारते हैं, तो आई थिंक पहली बार पापा जीते हैं। लंच टाइम हो चुका है, तो देखते हैं मम्मा टेंट में मेरे लिए क्या लंच लेकर आते हैं। मम्मा आपके लिए लेकर आ गई हैं
गर्मा गर्म मक्खन मार के आलू का परांठा विद कर्ड, ये लो। क्योंकि आज मुझे सब्जी कुछ समझ में नहीं आ रही थी और मैंने सोचा कि आलू प्याज तो घर पे होते ही हैं, कर्ड भी पड़ी थी तो चलो फिर आलू का परांठा ही बना देते हैं, क्योंकि सुमायरा को पसंद है और सुबह इसने साउथ इंडियन ब्रेकफास्ट किया है तो लंच नॉर्थ इंडियन बना देते हैं। थैंक यू मम्मा, मेरा फेवरेट आलू पराठा। हाँ, अब आप टेस्ट करके मुझे बताओ कि नमक मिर्च ठीक है, तभी मैं बाकियों के लिए बनाना शुरू करूँ। फिर गरम है थोड़ा ध्यान से। टेस्टी टेस्टी है, नमक मिर्च परफेक्ट है। यस परफेक्ट। ये कम ज्यादा है? नहीं परफेक्ट है, परफेक्ट है। और साथ में मैंने ना वो भी बनाई है सुमायरा, क्या जिंजर वाली चटनी जो आप ब्रेड के साथ खाते होते हो ना। यस यस, रुको मैं आपको वो भी देती हूँ, मम्मा वो भी टेस्ट करना। मम्मा आप ना मुझे एक और आलू पराठा बना दो। हाँ आप एक तो फिनिश करो। आलू पराठा तो सब बच्चों का फेवरेट होता है। ये लो चटनी जिंजर वाली और ब्रेड। ब्रेड नहीं, इसको रोटी के साथ परांठे के साथ ही खानी है। ओके ठीक है, थोड़ा थोड़ा डिप करना, स्पाइसी ना हो, क्योंकि मैंने इसमें ग्रीन चिली तो नहीं ऐड की है, क्योंकि साउथ में ग्रीन चिली जो मिलती है वो बहुत ज़्यादा तीखी होती है तो हम अवॉइड करते हैं सुमायरा की वजह से। गरम है ये भी, ध्यान से थोड़ी सी लगाई है मैंने। हाँ सुमायरा पता क्या करती है, ब्रेड फ्राई करवा देती है तवे पे और उसके ऊपर ये चटनी स्प्रेड करके खाती है, इसको बहुत अच्छा लगता है। इसीलिए मैंने चटनी भी बना दी, क्योंकि पापा ने बोला कि मुझे गर्ड के साथ परांठा नहीं खाना, मुझे चटनी के साथ खाना है, तो फिर मैंने चटनी भी बना दी। अरे जो चटनी के साथ खाने का मजा है ना वो अलग ही है। हाँ वो तो है ही, चटनी के साथ प्लेन परांठा भी अच्छा लगता है। हम जब दाल के साथ रात को बनाते थे ना तो चटनी बच जाती थी, उसको सुबह सुबह फिर नाश्ते में प्लेन परांठे के साथ खत्म करते थे। मैं लंच कर लूं फिर हम टेंट हाउस में कुछ इंटरेस्टिंग करेंगे। हमने लंच कर लिया है और आलू पराठा खाकर तो मजा ही आ गया, और दही थी और गार्लिक की चटनी थी ना उससे तो मजा डबल हो गया था। और मैंने आपको बोला था मैं लंच कर लूं फिर मैं कुछ इंटरेस्टिंग करूंगी, चलो इंटरेस्टिंग करते हैं, सो जाते हैं। ऐसे सोना पड़ेगा मुझे, लेग्स लंबी नहीं जा रही है ना, मैनेज करना पड़ेगा, बट ऐसे सो सकते हो सुमायरा, थोड़ा सा एंगल लेके फिर आपकी लेग्स आ जाएंगी। आई थिंक सो नहीं नहीं आती, नहीं मुश्किल है, टेंट हाउस टूट जाएगा। हाँ तेरे सोने के चक्कर में, तू बैठ ही जा, स्टोरी इंटरेस्टिंग कर ले। क्या करो इंटरेस्टिंग, दोपहर तक का टाइम तो बीत गया, फिर भी गेम खेल के, पढ़ाई करके, ब्रेकफास्ट करके, लंच करके, अब क्या किया जाए। आपको ओके तो मैंने ना कुछ दिन पहले आपके लिए कुछ ऑर्डर किया था। क्या कुछ किया था? लेकिन मैंने सोचा था कि सुमायरा को इतनी जल्दी मैं वो नहीं दूंगी, इसकी छुट्टी आने दो, इसको रिलैक्स होने दो, और जब हम कोई चैलेंज करेंगे ना उसमें मैं वो चीज सुमायरा को दूंगी। छुट्टी भी हो गई, मतलब छुट्टी हो नहीं गई, छुट्टी है और मैं रिलैक्स भी हूँ और चैलेंज भी चल रहा है, तो दे दो मुझे वो। ये पार्सल क्या हो सकता है इसमें? इसमें आपके लिए बहुत ही अच्छी अच्छी चीजें हैं। कुछ हिंट? आप ओपन कर लो, हिंट की क्या जरूरत है। ठीक है चलो अनबॉक्सिंग करते हैं। हाँ मैं छुपा के रखूंगी। हाँ पापा ये एंगल नहीं आना चाहिए। क्योंकि फैमिली के लिए सरप्राइज है। यस छुपा तो ऐसे रही है जैसे ना कोई छीन के ले जाएगा। वाह इसका बैंड भाई कोई। पापा हाँ जी, ये ना आपकी फेवरेट चीज है। अच्छा क्या हो सकती है? F से स्टार्ट होता है। F से? F से रोटी? नहीं बता लूं? बता दो। फलूदा। ओ वाओ कितना प्यारा है यार, सच में एकदम रियल फलूदा लग रहा है। और मैं फलूदे को बाहर भी निकाल सकती हूँ ग्लास साफ करना हो तो। हाँ ये फलूदा मेल्ट नहीं होता है। लंच के बाद ठंडा ठंडा फलूदा खा लो आप सभी, देखो चेरीज भी है इसके ऊपर, यम्मी लग रहा है ना, टेस्टी है बहुत। चलो यहाँ रखते जाओ। ये भी बाबा की फेवरेट चीज है लेकिन मेरी भी है। हाँ? बठूरा। हाँ? छोला भटूरा।
छोले नहीं है, सिर्फ भटूरे है। भटूरे देखते हैं अगर छोले है तो कैसे है ना, एकदम रियल भटूरा लग रहा है। हाँ अरे छोले भी है, छोले भी है, ये रहे। ओ वाव ऐसे मैंने पराठा बनाया। सही बात है। एक और है भटूरा, बस फिर डिनर के लिए रख लेते हैं इसको, मैं कुछ नहीं बनाऊंगी आज। वाइट चने हैं देखो तो ऊपर, अच्छा कोरिएंडर की गार्निश भी की हुई है। हाँ कितना यूनिक है ना ये। स्पाइडर को अच्छा लगता है ना कुकिंग करना, कैट को प्ले करना, मुझे वाकई में बहुत अच्छे लग रहे हैं ना, एकदम रियल लग रहे हैं। इसको प्लेट में होटल वाले में सर्व किया जाता है तो बोले ना कि ये कॉम्बो हो गया। हाँ कि ये वैसे ही प्रिटेंड टू प्ले के लिए है। ये देखो समोसा, समोसा एक YouTube फैमिली के लिए, एक स्वायरा के लिए, एक मम्मी के लिए, एक पापा के लिए समोसे भी उन्होंने गिन के भेजे हैं। चार पता, चार मेंबर्स आइए, चाय के साथ खाएंगे हम। वाह मेरा फेवरेट, सब कुछ आपका फेवरेट ही आ रहा है। वेफल आइसक्रीम वाला, ये तो आइसक्रीम सैंडविच लग रहा है मुझे तो। ये वेफल है, वेफल है, अच्छा ये रिमूवेबल वेफल है। यस और ये ब्लूबेरी फ्लेवर है। ब्लूबेरी नहीं है स्मायरा, ये पर्पल है, ब्लैक करंट है ये। ओके ब्लूबेरी पिंक कलर का होता है ना, ये ब्लैक करंट है और ऑरेंज फ्लेवर है। बन, ये पाव है, बन नहीं है। एक और है, ये तो पूरा स्ट्रीट फूड बन गया स्मायरा। आपको ना कमेंट्स आते हैं कि स्ट्रीट फूड चैलेंज करो, तो आप यहीं पे आज वो चैलेंज कर लो, सारा स्ट्रीट फूड का इकट्ठा हो गया ना आपके पास। और ये कुछ नॉर्मल बंस वगैरह नहीं है, ये है पाव भाजी, ये है भाजी। वाओ देखो इसमें बटर भी है, लेमन भी है, अनियन भी है। और यूट्यूब फैमिली अगर मतलब जो भी कमेंट कर रहा है ना स्ट्रीट फूड चैलेंज, तो वो चैलेंज हम जल्दी करेंगे। एक्चुअली हम बाहर नहीं जा पा रहे हैं स्मायरा के स्कूल की वजह से, क्योंकि स्टडी का बहुत प्रेशर है, फाइनल एग्जाम्स आने वाले हैं, तो मोस्टली हमारे जो ब्लॉग्स हैं वो घर पे ही आप देख पा रहे हैं। तो जब भी हमें मौका मिलेगा तो हम जाएंगे बाहर और स्ट्रीट फूड चैलेंज पक्का करेंगे आप सबके लिए। कचोरी, सो नाइस, मुझे पसंद नहीं है कचोरी। नहीं आप भी, यूट्यूब फैमिली आप भी खा लो कचोरी, पूरी भी लग रही है ये तो। अरे ये तो मुझे पूरी लग रही है। नहीं, पूरी कचोरी, कचोरी भी ऐसी शेप में होती है, जब खाओगे तो पता चल ही जाएगा ना ये क्या है। यस आइस हलवा। हाँ आइस हलवा कौन सा होता है? अरे ये तो आइसक्रीम सैंडविच, अरे वो पिस्ता कुल्फी होती है ना जैसे। हाँ। वैसे वो, अरे पापा ये कुछ और होगा लेकिन ये आई थिंक पिस्ता फ्लेवर है। हाँ बट ऊपर पिस्ता की शेप में बने हुए हैं कुछ तो। सबका फेवरेट, आई थिंक यूट्यूब फैमिली का भी फेवरेट होगा। यूट्यूब फैमिली का फेवरेट होगा या फेवरेट होगी? होगी होगी, ये फीमेल है। अच्छा आपको दिख गया था फीमेल है ये है? यस स्वायरा के पापा, मुझे डाउट हुआ, मुझे चोरी चोरी देख रहे हैं ये। ये है मैगी। वाओ मैगी नूडल्स देखो इसके अंदर कितनी क्वांटिटी है मैगी की। अरे एक है, 10 रुपए वाला पैकेट है ये। यस है ना। तो अब मैंने आपको सारी आइटम्स दिखा दी है, चलो खाते हैं। पहले तो आप बताओ कि आपकी फेवरेट आइटम कौन सी है इनमें से। स्मायरा की तो आप सबको पता ही होगा, स्मायरा फिर भी आप बता दो। मेरी फेवरेट आइटम है पाव भाजी, छोले भटूरे, बस। अरे मैगी, मैं सोच रही हूँ ये मैगी को कैसे भूल सकती है, क्योंकि इसने जब मैगी का पैकेट दिखाया तो इसने यही बोला था कि सबकी फेवरेट और सब में तो स्मायरा भी आती है। मम्मा वो क्या हुआ ना, जो ये टेंट का कपड़ा है ना उसने मैगी को हाइड कर लिया था। अच्छा ठीक है, तो अब मैंने आपको ये सारी आइटम्स दिखा दी है, चलो खाते हैं। अभी दिखाए थे इनको खाने की वैसे। यस ये दिखता जोक अपार्ट। अगर आपको ये सारी आइटम्स अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करो और शेयर करो। और फ्रेंड्स सच्ची में मुझे अब इतनी नींद आ रही है, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। और देखती हूँ कितने बज गए हैं,
4:30 हो चुके हैं, तो चलो सोते हैं। फिर उठ के मैं कुछ और इंटरेस्टिंग करूँगी, क्योंकि अभी तो मेरा माइंड नहीं चल रहा है आलू पराठे खा के ये सब कुछ खाकर। तो चलो सो जाते हैं। मैं उठ चुकी हूँ और इवनिंग स्नैक्स का टाइम हो चुका है। तो पापा, स्नैक्स में क्या है? स्नैक्स में है आपके लिए यम्मी यम्मी मैगी विद चीज। वाव, मजा आ जाएगा आज तो। मैगी हो और साथ में हो गर्मा गर्म चाय, मजा दुगना हो जाता है। पापा। हाँ जी। मम्मा को बोला था वो यहाँ पर भी एक मैगी का पैकेट था, तो मम्मा वहाँ से निकाल सकती थी। अरे उसी को देख के तो दिल कर पड़ा कि क्यों ना मैगी बनाई जाए आज। आपको मैगी पसंद है या नहीं जल्दी से कमेंट्स में बताओ। ये लो टेस्ट करो। विंटर में गर्मा गर्म मैगी, क्या बात है। सुपर, बड़ा मजा आ गया ये मैगी खाकर। मम्मा मेरे लिए ब्लैंकेट लेकर आ चुकी है, क्योंकि शाम हो चुकी है और थोड़ी सी यहाँ पर ठंड हो रही है। थोड़ी सी हो रही है कि ब्लैंकेट की जरूरत है, जैकेट की स्वेटर की जरूरत नहीं है ब्लैंकेट मंगवा लिया इसने। मैंने बोला जैकेट पहन लो, बोलती नहीं मैं टेंट हाउस के अंदर ही हूँ ना, अंदर कौन सा ठंड लग रही है। तो अभी ब्लैंकेट चाहिए था इसको, तो मैंने ब्लैंकेट दे दिया, ये आराम से बैठ गई है। मम्मा। हाँ। मेरा ना टीवी देखने का मन कर रहा है, तो मैं अब कैसे देखूं? अब टीवी क्या तेरे सामने वाली दीवार पे उखाड़ के लगा दूं? नहीं, क्योंकि जहाँ पे है वहां से तो तेरे को दिखेगा नहीं, यहीं बैठे हुए बाहर आप आ नहीं सकते हो। यहाँ विंडो से नहीं दिखेगा आपको? नहीं दिखेगा, नहीं दिखेगा। वो शेल्फ से है ना जो, वो अटकेंगे आगे। यस। नहीं देख पाएंगे। आपको देखना क्या है वैसे टीवी में? मूवी। कौन सी मूवी? वो तो देखेंगे ना कौन से चैनल पे कौन सी मूवी आ रही है। ठीक है, तो आप एक काम कर सकते हो, आप इसमें मूवी ढूंढ सकते हो कोई अच्छी सी और एंजॉय कर सकते हो अंदर। ओके। और मैंने बोला था ना स्पायरा आपको कि हम लाइट लगाएंगे आपके टेंट हाउस के अंदर, फैन लगाएंगे, लेकिन ऑलरेडी रोशनी आ रही है। वैसे भी रात को तो लाइट ऑफ करके सोना है, तो लाइट की जरूरत ही नहीं है। चलो डोर के साथ साथ अभी टैब से भी रोशनी आएगी। हाँ, चलो आप अपनी मूवी एंजॉय कर लो। गर्मी तो नहीं लग रही अंदर? नहीं, ठंड लग रही है, तो फैन की भी जरूरत नहीं है। चलो ये भी काम आसान हो गया। आप अपनी मूवी एंजॉय करो और मैं फिर डिनर बनाने की तैयारी करती हूँ। ओके। मैंने मूवी देखी है, मैंने हाफ एन आवर की मूवी देखी है, क्योंकि ज़्यादा हम स्क्रीन नहीं देख सकते, वो भी पास से। हाँ, टीवी हो तो वो अलग बात है, हम दूर बैठ के देखते हैं, लेकिन इस टेंट हाउस में इतना स्पेस नहीं है कि मैं टैब को दूर रखूँ और मैं खुद दूर बैठूँ। मैं तो यहाँ पर लेट भी नहीं सकती अच्छे से। तो अब मम्मा। हाँ जी। आपने डिनर में क्या बनाया आज? डिनर बस रेडी हो गया, मैं लेकर आ रही हूँ आपके लिए। ओके। मैंने आपके लिए बनाई है आपकी फेवरेट, आपकी फेवरेट दाल। दाल? ये लो खाना पकड़ो। कौन सी दाल? में आप खुद ही देख लो। दाल मखनी। आपको शक्ल देख के पता चल जाएगा दाल मखनी है या कोई और दाल है। पता चल गया है। कौन सी है? मिक्स दाल। हाँ, मिक्स दाल है। पहले डिनर एंजॉय करो। पहले मुझे लगा छिलके की दाल, लेकिन जब मुझे ये दिखता है ना तो मुझे आइडिया हो जाता है ये मिक्स दाल है। ये चने की दाल देख के आइडिया हो जाता है। हाँ। चलो टेस्ट करते हैं। पानी भी देती हूँ मैं आपको, पहले आप थोड़ा खाना खाओ। ये लो यूट्यूब फैमिली, यम्मी यम्मी। मैंने बटर ऐड किया था इसमें, पता ही नहीं चला, वो मेल्ट हो गया क्योंकि दाल गर्म थी ना तो इसके अंदर मेल्ट हो गया। हाँ, अब टेस्ट आ रहा है। टेस्ट आ रहा है ना? यस। स्मैरा आपके लिए सैलेड। थैंक यू। मैं बोल रही थी पहले मैंने डिनर कर लिया, लेकिन मैं कंफ्यूज्ड हूँ, मैं इस छोटे से टेंट हाउस में कैसे सोऊंगी? जैसे मैं दोपहर को सोई थी एडजस्ट करके, वैसे अब सोना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है यूट्यूब फैमिली के लिए। और अगर यूट्यूब फैमिली के लिए उन्होंने थोड़ी सोना है अरे नहीं, मतलब उनकी डिमांड थी ना टेंट हाउस में ब्लॉग बनाओ, तब उनके लिए एडजस्ट कर सोना तो पड़ेगा ना। ये बात कह सकते हो आप, उनकी डिमांड थी जो स्मायरा ने पूरी कर दी है, भले परेशानी हुई है, पूरा दिन में एक छोटे से हाउस के अंदर ही बैठी रही है। वेल डन, तालियां होनी चाहिए यार हमारे लिए। इसने अपना चैलेंज कंप्लीट कर लिया है, सोने का टाइम हो गया है। और अगर आपको आज का ये चैलेंज अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करो,
शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना। तो फिर मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। एक बार सोके भी दिखा दो। ओ यस, मुझे सोना भी तो है। बाय, टेक केयर। अरे अभी भी लाइट आ रही है। बाय बाय।